हेलो एंड वेलकम, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं एक काफ़ी खूबसूरत जगह पे हूँ। ये एक योग, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर है जिसका नाम श्री नारायण धाम है। और चलिए मैं आपको इस जगह की सैर कराती हूँ, सो लेट्स गो। सो अभी हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं एंड ये क्या है? हर्बल टी। हर्बल टी, ओके। सो ये हर्बल टी है, सो हम वेट कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए हर्बल टी। थैंक यू सो मच। ये है रिसेप्शन एरिया एंड अभी हमको पहले हमारा रजिस्ट्रेशन कराना है। हेलो, अभी हम आज आए, हमारा फर्स्ट डे है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? मैम आपको एडमिशन फाइल फिल करना है और इस कार्ड से। ओके, किसके साथ बात हुई थी मैम? अर्चना मैम से बात हुई थी। ओके मैम, आपका नाम बताइए प्लीज। मलिष्का। मिस मलिष्का, इस कार्ड और फाइल लेकर आपको इस चीज़ और कम सेटिंग के लिए डॉक्टर्स के पास जाना है। ओके, आप पर छोड़ देती। यस चलिए, ये आपके पास। ओके ओके थैंक यू। आफ्टर द डॉक्टर्स कंसल्टेशन अभी हम यहाँ की मेडिकल स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए। दिस इज द मेडिकल स्टोर एंड नमस्ते। सो मैम, यहाँ पे मेडिकल स्टोर में क्या क्या है? मेडिकल स्टोर में स्पेशल टी है, हम सब लोगों को देते हैं। अच्छा, इसके बहुत से फायदे, इससे गला साफ रहता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। ओ, विरेचन का घी ये। ओके, ट्रीटमेंट लेने आते हैं ना, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ऐसे किट बने हुए। ओके, तो मतलब ये किट्स हमें मसाज रूम में यूज करने हैं। ओके ओके। और यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं, जैसे वेरिकोज पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, एंड उसी के साथ में सारी टैबलेट्स है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। Hello and good morning. So this is our day one and abhi baje hai 5 o'clock and we woke up at 4:45 in the morning and abhi hum jayenge niche shuddhi kriya ke liye jisme vibhinn prakar ki kriyas hoti hai jaise ki jal neeti, netra prakshalan aur bahut sari. So abhi hum jayenge niche और शुद्धि क्रिया करेंगे एंड देन हम योगा करेंगे। सो लेट्स गो विथ मी। सो अभी हम करने वाले हैं जल नीति, जिसके लिए एक जल नीति पॉट में ल्यूकवॉर्म वाटर और पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है और इसका जो एज है वो आपके एक नॉस्ट्रल में डाल के पानी आपके दूसरे नॉस्ट्रल से निकालना है एंड रिपीट करना है बोथ द साइड। दिस थिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी इशूज़ एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अभी हम करने वाले हैं नेत्र प्रक्षालन, ऑल्सो नोन एज आई वॉश, जिसमें आपको आई वॉश कप लेना है और उसमें पानी भरना है। अगर आप त्रिफला वाटर यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा गुणकारक है, बट नॉर्मल पानी से भी आप आंखें झपका सकते हैं, जिससे आपके आंखों की सारी इम्प्योरिटीज़ निकलेगी एंड आपके बेटर विजन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट अप इज़ गंडूश क्रिया, ऑल्सो नोन एज ऑयल पुलिंग, जिसमें आपको पर्टिकुलर मेडिकेटेड ऑयल या काढ़ा देंगे, जिसे यू हैव टू स्विश इट अराउंड इन योर माउथ एंड गागल इट आउट। यानी कि ये आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपके बॉडी से पित्त यानी कि कफ को निकालने में भी मदद करता है। दिस माइट साउंड वियर्ड बट दिस रियली हेल्प्स। एंड आफ्टर ऑल द क्रियाज इन द मॉर्निंग
यू गेट दिस हर्बल टी विच हेल्प्स टू काम योर बॉडी। एंड वो पीने के बाद आपको जाना है योगा हॉल में एंड स्टीम लेनी है सो दैट आपके नोज़ में जो भी ब्लॉकेजेस हो वो क्लियर आउट होंगे। एंड उसी के बाद आपको नोज़ ड्रॉप्स दिए जाएंगे विच कैन बी ईदर घी या तो मेडिकेटेड ऑयल। एंड फिर वो डालने के बाद आपको मसाज करना है एंड रेस्ट फॉर 5 मिनट्स एंड देन स्टार्ट्स द योगा। सो अभी हम मॉर्निंग ट्रैक करने के लिए निकले हैं। यहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा है, हिल्स है यहाँ पर। नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ एग्जैक्टली जा रहे हैं आई एम नॉट श्योर सिंस हमारे साथ एक गाइड है, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स गो। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन में रॉयल पुरंदर रिसोर्ट है जहाँ हम जाएंगे। ओके सो हम पूरा ट्रैक करने जा रहे हैं एंड दिस डॉग इज़ विथ अस फ्रॉम द स्टार्ट। नारायण धाम से लेकर रॉयल पुरंदर के अंदर तक ये डॉग हमारे साथ है एंड वी आर ऑल गोइंग फॉर ट्रैक। लुक एट दिस एंथुजियास्ट, लेट्स गो। By the way, इस cute little whitey dog का नाम Charlie है। So if you have seen the movie 777 Charlie, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो देखिए ज़रूर। But yeah, look at the view, it's so beautiful. Let's run. So the area is so beautiful कि मैं पीछे रह गई, सब आगे निकल गए बहुत। And I'm so mesmerized. It's very 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 beautiful. And I think you can see this. यहाँ पे okay, they're conserving the water, the rain water I guess, I'm not sure. But it's super beautiful. And oh my god, I'm so fascinated right now. बहुत ही मज़ा आ रहा है। It was good. Let's go. कहाँ से आना है? यहाँ से? यहाँ से? चलो अभी एक्सरसाइज भी यहीं कर लेते हैं। नहीं, अभी इधर से निकल रहे हैं बस डायरेक्टली। चलो सो ब्यूटिफुल मैम, इन्होंने बोला कि अगर जो मैं लेट हो गया, अगर मुझे नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो क्या करोगे? क्या करोगे? मंगा देंगे। Okay, so the trek is now finally over. Let's get back to the place. Charlie, come here. वो कल करवाया था। And now after the trek, it's really important to get a good breakfast. And I have muted the voice क्योंकि बहुत ही आवाज़ था। So this is our first day of drinking ghee, यानी कि हम विरेचन कर रहे हैं, जिसके लिए first day हमें 30 ml ghee पीना है, सेकेंड डे 60 एंड थर्ड डे 90।
आई हैव नेवर डन दिस बिफोर बट लेट्स ट्राई इट. सो बेसिकली विरेचन में घी पीने से इट फ्लशेज आउट टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा म्यूकस फ्रॉम द बॉडी एंड इट डेफिनेटली इज हेल्पफुल. यू मस्ट ट्राई इट. सो आफ्टर आरती 8:30 से सारी थेरेपी शुरू होती है और जिनका भी LSP है उन्हें LSP करने जाना है. सो ये मैम अभी सिखाएंगे कि LSP क्या होता है. LSP इज़ लघु शंख प्रक्षालन, जिसमें शंख प्रक्षालन मीन्स क्लेंजिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो इसमें आपको सलाइन वाटर दिया जाता है 3-4 ग्लासेस जो आपको पीने हैं एंड उसके बाद एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती है जिसे आपको करना है एंड देन नेचुरली आपको मोशंस आएंगे. मोशन आने के बाद आपको यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपने जो सलाइन वाटर पिया है वही आपके मोशंस में ना निकले. दिस प्रोसेस इज़ रियली हेल्पफुल. आपके लार्ज इंटेस्टाइन को वो क्लीन करता है एंड एक्स्ट्रा म्यूकस को वो निकालने में मदद करता है. एंड आफ्टर LSP आपको रूम पे रेस्ट करना है एंड लंच के बाद सेकेंड हाफ की थेरेपीज के लिए जाना है. सिंस मैंने विरेचन किया है सो उसमें मैं LSP नहीं करूँगी. And by the time I'm free, let me show you all how the rooms are. So this is the lobby for family suite. And now this is the beautiful view. And now let's see the room. The rooms are spacious and it does serve everything to the simple and holistic life you live here. These are the deluxe rooms. They are quite small and cute at the same time. You again have a simple room over here and it does serve what you want for a holistic life, simple and sober. And the view is so beautiful. You can just see the fog out there. If you come in monsoon, it's super. Do bring your jackets though. थेरेपी इज़ कॉल्ड शिरोधारा, जिसमें वॉर्म मेडिकेटेड ऑयल या काढ़ा यूज़ किया जाता है. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फटीग एंड इनिशिएट्स अ सूदिंग इफेक्ट ऑन योर ब्रेन सेल्स. ऑल्सो हेल्प्स इन स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड ऑनेस्टली दिस इज ऑल यू वॉन्ट आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे. सो आफ्टर द सेकेंड हाफ थेरेपीज, जिसमें 3-4 थेरेपीज थी बट आई कुडंट शूट इन द थेरेपी रूम, उसके बाद देयर स्नैक्स टाइम, जिसमें मुझे हर्बल टी एंड खाकरा दिया गया था. एंड नाउ इट्स द टाइम टू बर्न कैलोरीज, सो लेट्स गो. एंड 6 to 6:30 PM इज द प्लेइंग टाइम. सो ऑल ऑफ अस लाइक अ फैमिली आर प्लेइंग गेम्स. We do different things on different days. बहुत मज़ा आता है. So इसके बाद हम डांस करेंगे जो हमने 15 मिनट्स में प्रिपेयर किया है. So let's go.
का। ये बाद में कैसा लगा इधर इधर जाने का? Today is our last day and we are taking discharge. So जाने से पहले let's have a word with Dr. Santosh Mali. Come with me. Good afternoon, sir. Good afternoon. So today is my last day and my viewers are here with me. And वो जानना चाहते हैं कि आप नारायण धाम के बारे में कुछ इनको ब्रीफ में आपके तरफ से बताइए। जरूर। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संतोष माली। नारायण धाम योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सेंटर में मैं आयुर्वेद विभाग देखता हूँ। प्रथमतः मैं नारायण धाम के बारे में बताना चाहता हूँ। श्री नारायण धाम योग आयुर्वेद निसर्ग उपचार केंद्र ये परम पूज्य अन्ना महाराज जी के संकल्पना से साकार हुआ एक परिपूर्ण आयुर्वेद और नेचुरोपैथी योगा सेंटर है। हमारे यहाँ जो मेन डॉक्टर हमारे हैं डॉक्टर डोंगरे सर, उनके मार्गदर्शन पर हमारा यह सेंटर शुरू हुआ है। हमारे सेंटर में सेंटर की जो खासियत है, यहाँ योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तीनों ट्रीटमेंट आपको एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ कई तरह की बीमारियां जैसे कि संधिवात, आमवात, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है तीनों पैथियों से, जैसे योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा से। सब तरह की ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट आयुर्वेद का, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, ये सब ट्रीटमेंट, और नेचुरोपैथी के वेरियस ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मलिष्का जी यहाँ रही है, तो मलिष्का मैडम ही इसके बारे में ज्यादा बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यस यस डेफिनेटली। सो मेरा एक्सपीरियंस नारायण धाम में बहुत अच्छा है। सो दिस इज द सेकेंड टाइम कि मैं नारायण धाम नेचुरोपैथी सेंटर में आई हूँ एंड एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। डे वन से लेकर डे सेवन तक ऐसा हो गया था कि पहले हम किसी को जानते नहीं थे एंड वक्त बीतते हुए All of us became so friendly, यानी कि सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो या कोई सीरियस क्रॉनिक डिजीज हो, सब लोग जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे इतने अच्छे से रहते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम सब इतने मिलजुल के रहते हैं कि हमें जाने की इच्छा नहीं होती। नॉट ओनली दैट बट यहाँ का स्टाफ सर इज वेरी गुड एंड वेरी फ्रेंडली। थैंक यू। मैंने उनको रात को मैं अगर 12 बजे भी बोलूं कि मुझे एक हॉट बैग चाहिए तो वो तुरंत खड़े पैर आके मुझे हॉट बैग देते हैं। सो आई थिंक द ट्रीटमेंट्स और उसके साथ जो सर्विस है वो इतने अच्छे से देते हैं। और उसके अलावा तो यहाँ का सब कुछ अच्छा था। यहाँ के मॉर्निंग के शुद्धि क्रिया सेशन से लेके योगा सेशन, ट्रीटमेंट, फूड एंड शाम का जो एंटरटेनमेंट सेशन होता है, एवरीथिंग वाज सो गुड। और आई कांट वेट टू कम बैक अगेन एंड इट वाज अमेजिंग। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड आई सी यू ऑल अगेन। थैंक यू। थैंक यू।